अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने की संभावना से शेयर बाजार को जो उम्मीद जागी उसे आज आई महंगाई दर के आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तोड़ दिया, जिससे बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 202 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिका से ट्रेड डील की उम्मीद के सहारे आज सेंसेक्स 50 अंकों की तेजी के साथ 41,510 अंक पर खुला। शुरुआती सत्र में ये 41,702 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया, लेकिन फिर महंगाई को लेकर आए आंकड़ों ने सेंसेक्स की बढ़त पर ब्रेक लगा दिया, जिसमें बताया गया कि जनवरी में थोक महंगाई दर 2.59% से बढ़कर 3.1% हो गई है। बाजार महंगाई से लगे इस करंट से संभल भी नहीं पाया था कि तभी 1.47 लाख करोड़ रुपए के एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बाजार की उम्मीदों को तोड़ दिया। कोर्ट ने इस मामले में टेलीकॉम कंपनियों और केंद्र के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ज्यादातर कंपनियों ने बकाया रकम जमा नहीं करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से पूछा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या इस देश में कोई कानून नहीं बचा, इस देश में रहने से बेहतर है कि इसे छोड़कर चले जाना चाहिए। कोर्ट की इस कठोर टिप्पणी का असर शेयर बाजार पर दिखा और बाजार तेजी से लुढ़क गया। दोपहर में ये दिन के उच्च स्तर से 500 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर 41,183 अंक पर पहुंच गया। बाद में सेंसेक्स कल के मुकाबले 202 अंकों की गिरावट के साथ 41,258 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 8 कंपनियों के शेयर में तेजी और 22 के शेयरों में गिरावट रही। सबसे ज्यादा तेजी भारतीय एयरटेल के शेयरों में 4.69% की रही, जबकि इंडसइंड बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 4.38% की गिरावट रही। दूसरी तरफ निफ्टी 15 अंकों की बढ़त के साथ 12,190 अंक के स्तर पर खुला और ये आज 12,247 अंक के दिन के उच्च स्तर और 12,091 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुँचा। बाद में ये कल के मुकाबले 61 अंकों की गिरावट के साथ 12,113 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 35 कंपनियों के शेयर लाल निशान में और 15 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए। बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी और टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में ज्यादा बिकवाली हुई। टेलीकॉम कंपनियों के शेयर 23% लुढ़क गए। एनएससी पर सभी 11 सेक्टर इंडेक्स नुकसान में रहे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।